टेक्सचार सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। उधमपुर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर मंगलवार को बाजार में कपड़े व रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें खुलने पर लोग सामाजिक दूरी को भी भूल गए। खरीदारी के लिए कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं। लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू और व्यापारी की स्वेच्छा से लगभग 50 दिन बाजार बंद रहे। इससे लगभग 1.25 लाख छोटे बड़े कारोबारियों को 12,650 करोड़ रुपए की चपत लगी। इन 50 दिनों में वे भी शामिल थे जिनमें साल भर का 50 से 70% कारोबार होता था। जम्मू कश्मीर अनलॉक के साथ लोग बेपरवाह होने लगे। बाजारों में खरीदारों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन होता नहीं दिख रहा। कोविड विशेषज्ञों के अनुसार सामाजिक दूरी और मास्क का पालन न करने से कोविड की दोबारा वापसी होना संभव है। बागेश्वर करीब 2 महीने के अंतराल के बाद मंगलवार को कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की दुकानें खुली, लेकिन ग्राहकों की कमी के कारण व्यापारियों को मायूसी हुई। दुकानदार दुकानों में जमी धूल साफ करते देखे गए। हल्द्वानी की नई गाइडलाइन के तहत मंगलवार को किराना और परचूरन की दुकानें तो बंद रही, लेकिन कपड़ा रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक जूता कारोबारी आदि की दुकानें खुली। दुकानों में ग्राहक भी नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। उत्तर प्रदेश के शामली में कर्फ्यू के बाद जिले में कपड़ा व्यापार पटरी पर नहीं लौटा है। बाजार खुलने के बाद सिर्फ यह अंतर आया है कि कर्फ्यू में बंद कारोबार के बाद सिर्फ 1/4 कारोबार पटरी पर आया है। कर्फ्यू के पहले जिले का 70-80 करोड़ रुपए का प्रतिदिन का कारोबार चल रहा था। रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि कुल्लू में 90% कारोबार कोरोना से प्रभावित हुआ है। महज 10% कारोबार पर ही उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। वाहन सुविधा न होने के कारण लोग खरीदारी करने बाजारों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सूरत कपड़ा मंडी के व्यापारिक संगठन सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन ने कपड़ा व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृत व्यवस्था के रूप में हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। बंदायू में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेपटरी हुआ जिले का कारोबार। 1 जून से अनलॉक होने के बाद पटरी पर लौटने लगा है। अनलॉक के 8 दिनों में जनपद ने 400 करोड़ का कारोबार किया, जिनमें सराफा, ऑटो रिक्शा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा बाजार आदि का कारोबार शामिल है। काशीपुर में कर्फ्यू के बीच मंगलवार को 43 दिनों बाद कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की दुकानें खुली और चहल पहल रही। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष एसिस ने बताया कि रुद्रपुर में करीब 6 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। आज के सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।